स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बीते कल संसद की एक समिति को सूचित किया है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 मामले हैं और अधिकारी स्थिति की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने समिति को बनाया कि ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 10 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद राजस्थान में 9 मामले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2303 मामले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ओमिक्रॉन स्वरूप और कोविड-19 से संबंधित अन्य मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी है। स्वास्थ्य सचिव, ICMR महानिदेशक और मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारी कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से चुनौतियों के मुद्दों पर स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति को जानकारी देते हुए नजर आए, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो तीसरी खुराक ली जा सकती है, लेकिन दूसरी खुराक के 9 महीने बाद ही। अपनी प्रस्तुति के दौरान अधिकारियों ने टीके की प्रभावशीलता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया, जो विभिन्न स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी है। 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए टीका प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख लगातार हम देख रहे हैं कि समितियां गठन की जा रही हैं, अधिकारियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो वहीं पर रुका जाए, वहां पे आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ना बचे, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बाकी देशों में देखने के लिए मिल रहा है। खासकर कि साउथ अफ्रीका के जितने भी देश हैं वहां पर लगातार जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो बढ़ रहा है। बीते हफ्ते की हम बात करें तो मामले जितने आए थे उससे 2 गुने हो चुके हैं। ऐसे में भारत पूरी तरह से अलर्ट है। 2021 में ही जब मार्च में डेल्टा वेरियंट आया था तो कहर बरपाया था, कई लोगों की जान चली गई थी, देश में हाहाकार मच गया था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मच रही थी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि ऐसा दौर एक बार फिर से देश देखे, इसी वजह से तमाम अधिकारियों से पल पल की अपडेट ली जा रही है। जीनोम सिक्वेंसिंग हो, टेस्टिंग हो, वैक्सीनेशन हो, बूस्टर खुराक को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं।